पानी की आवाज आ रही है। बंदी वापस चले यहाँ से, सच बता रहा है तुझे, तो बहुत बुरा फंसाने वाला है आज। रुक जा, उधर ही रह। इसका नाम है रोशनी। क्या? रोशनी। अच्छा, इसका नाम रोशनी है। रोशनी नाम है भाई। अगर कोई रोशनी देख रही होगी ना अभी, तो तब तेरे क्लास लगी भी। ऐसे जाएगा तू? क्या करना मतलब? भाई जैकेट पहन ले, वहाँ जब कंडाली लगती है ना, तब जलाएगा, फिर मुझे बोलेगा भाई तो कहाँ लेके आया। तो दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं लिंगड़े तोड़ने के लिए। तो मंदी भाई ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि वहाँ पे बिच्छी घास मिलने वाली है बहुत ज्यादा। क्या है वहाँ पे? तो लास्ट टाइम कब गया था लिंगड़े तोड़ने? कितने साल हो गए? 8-9 महीने पहले ही गया था, बरसात के उसी टाइम पे ही गया था। ये जो इधर की खेती है, इसको जो है रात को भी हम जो है सींचते थे, या रात यहाँ से साफ करते हुए ले जाते थे पूरा। पहले हमने भी किया है पानी के लिए ना, पढ़ाई होती थी ना पानी के लिए, उसके लिए ना खेती के लिए सफाई पानी के लिए करते थे। पर खेत में जो है, खेत में आलू, प्याज और तंबाकू बहुत उगाया गया है। मेरे पिताजी बड़े शौकीन थे उसके। तो दोस्तों, हम लोग गांव से बहुत दूर जंगल के बीच में पहुंच चुके हैं, और यहां से अब हमें नीचे उतरना है, बिल्कुल पानी वाली जगह के बिल्कुल पास, बिकॉज हमको वहीं मिलने वाले हैं लिंगड़े। सुपरमैन मंदी। अब तो सुपरमैन नहीं लग रहा, तो तमराज किल भी तो लग रहा है। कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा मंदी? भाई साहब यही है, तूने ना सुपरमैन की ड्रेस पहना के तो सुपरमैन वाले काम करवा रहा मेरे से। भाई यही है, लिंगड़े खाने नहीं खाने। मंदी तू गलत जा रहा है। अब गलत नहीं आ भाई, वहाँ रास्ता नहीं है मंदी। अरे रास्ता है भाई, तू आ जा। यार आज मुझे महसूस हो रहा, पिछली बार जैसे मनीष को डर लग रहा था ना। मंदीप भाई, हम वापस आ जाएंगे यहाँ से? मंदीप सच बता रहा हूँ भाई, अपन यहाँ से लुढ़केंगे बहुत गंदा वाला। यहाँ देखिए मंदीप कहाँ कहाँ घुस रहा है। यहाँ ना एनाकोंडा बैठा होगा कहीं, रास्ता नहीं है उधर। अरे है ना, आ तो गए, अभी थोड़ी ना मिलेंगे, अभी थोड़ा और नीचे जाना हमें। कब आएगा रास्ता? यहाँ से बाहर निकल पाएंगे हम? इतनी खतरनाक जगह मैं जिंदगी में पहली बार जा रहा हूँ भाई। मंदीप भाई जैसे गाइड के साथ कई बार जाना कहीं, कसम से आज मेरा मंदीप के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। पानी की आवाज आ रही है। मंदीप वापस चले यहाँ से, सच बता रहा है तुझे, तो बहुत बुरा फंसाने वाला है आज। मंदी भाई बीच जंगल में लेके आ गया, वो खुद भी रास्ता भूल गया, उसको नहीं पता सच पर रास्ता कहाँ है। यार मंदीप कैसा भी हो, रास्ता इतना भयंकर ऐसा नहीं बंद हो सकता यार। भाई ऐसी था पिछली बार आया था मैं। वापस निकल ले अब नीचे, वापस निकल ले, बात मान मेरी। अबे यार भाई रास्ता नहीं, वापस आ जाएंगे ठीक है। तो तू अकेले क्यों जाएगा, फिर चलेंगे तो फिर दोनों ही चलेंगे। अकेले क्या? मंदीप आगे पूरी बिच्छी घास है यार। पूरी बिच्छी घास है आगे। अबे तो वहां तक तो है ही। मत जा वापस आ जा भाई, पूरे बिच्छी घास के बीच से जाना पड़ेगा। मत जा फिर, रहने दे, नहीं जाना भाई नीचे, मुझे बिल्कुल लिंगड़े नहीं खाने। वापस मुड़ो और घर चलो। मैं आलू की सब्जी खा के बहुत खुश हूँ। बिच्छी घास तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं होता, कभी कभी सेहत के लिए कभी कभी हानिकारक होता है ज्यादा मेहनत करना। जिंदगी में दोबारा मंदी भाई को कभी गाइड नहीं बनाना। अबे है भाई रास्ते तो आप जाना ही नहीं चाहो तो मैं कुछ नहीं। नहीं भाई, भाई जितने भी लोग देख रहे ना, उसमें से कोई एक भी इंसान अगर इसको रास्ता घोषित कर देना। ये देखिए हमारे नाकाम सुपरमैन, नाकाम हुआ सुपरमैन। हटाओ ये चोगा फिर, तूने मुझे बैठ कर।
मुझे लगा था आज हम लोग कुछ बहुत बहुत हिम्मत वाला काम करेंगे भाई। हिम्मत तो अब जाए नहीं तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी वहाँ जाने की। अब वो क्या करे, तुम्हें गया नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते फिर इसमें भाई। जब सुपरमैन नाकाम होता है तो अपना चोगा ऐसे लेके जाता है वो। क्या यार तू कैसे डर गया यार तू? मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैकिंग करी है पर भाई एडवेंचर नहीं होना हो चाहिए क्या? ना भाई ऐसा एडवेंचर नहीं चाहिए। मंदी भाई इतनी बड़ी पॉलिथीन लेके आया था, मैंने कहा मिलेंगे लिंगड़े इतने सारे, एक नहीं मिला। अभी गांव वाले देख रहे होंगे कि दोनों गए तो थे बड़े हीरो बन के, जीरो बन के वापिस आ रहे। कोई बात नहीं विवेक, नाकामयाब की कभी कभी सहना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? नाकामयाबी हमें कभी कभी सहनी पड़ती है, हमें धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। तो दोस्तों लिंगड़े नहीं मिले और हम लोग पूरी तरह से नाकामयाब रहे, पर बाबा जी ने कहा है कि कभी कभी जीवन में नाकामयाबियों का सामना करके भी धैर्य रखना पड़ता है। तो इसी लेसन के साथ आज का ये वीडियो, तो मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ, बिकॉज अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं मंदी भाई के गांव से, हम लोग और आगे निकलने वाले हैं, तो कुछ जगह हम लोग आपको और दिखाने वाले हैं। तो व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।